here to listen to Ram Jethmalani. He was the lawyer for Manoj Sharma. He was the person who said the High Court's judgment had been biased. Lawyer, हमेशा होता है, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं. आज हार गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ. मैं कल तो दुबई से आया हूँ. मैं सर, आपने जो ट्रायल बाय मीडिया की बात अभी भी आप कह रहे हैं कि बात सही है, लेकिन अगर एपेक्स कोर्ट, मगर ये शराफत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग चल रही थी तभी आप खामोश थे. ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन अगर अगर इस देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है अगर वो उन चीज़ों को मान रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि बात मीडिया जो कह रही थी वो अल्टीमेटली बात सही थी? मीडिया को कहना नहीं चाहिए, ये कानून के भी खिलाफ है और इंसाफ के भी खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो आपके रवैये को जस्टिफाई नहीं करती. एनीवे, नाउ यू आर ऑल राइट, यू हैव वन द अक्यूज हैज लॉस्ट, सो व्हाट. हाँ, नहीं नहीं, आपने इनएडमिसिबल कन्फेशन जो होती है, जो कानून जिसको मना करता है कि कोर्ट को भी नहीं देखना चाहिए, वो आप टेलीविजन पे दिखाते रहे जब ये अपील चल रही थी. ये बिल्कुल कानून के भी खिलाफ है और मर्यादा के भी खिलाफ है. मैं आपकी कॉन्डक्ट जो है वो अभी ठीक रही है, जब भी सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी उसकी तो आपको बधाई देता हूँ, मगर जब तक हाईकोर्ट में चल रहा था केस तभी आपकी जो रवैया था, मुझे बहुत शिकायत है और मेरी शिकायत रहेगी हमेशा. डोंट आस्क मी माय लॉयर इज हैप्पी विथ व्हाट एवर द रिजल्ट इज. इट्स माय ड्यूटी टू बी से दैट आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज डिसाइडेड. मैं आपको कहूंगा कि नहीं मैं खुश नहीं हूं तो उसमें से क्या फायदा क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अ लॉयर्स ड्यूटी इज टू bow down to the judgment of the highest court. That's law. But what about the universal law? That's for you and the press. This is for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you. Thank you.